स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम एक ऐसा रिसोर्ट ढूंढ के लाए आपके लिए जो पुणे से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और बेहद ही खूबसूरत है। तो ये है वन सृष्टि एग्रो टूरिज्म रिसोर्ट। तो आज हम आपको ये रिसोर्ट बताने वाले, तो अंत तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। ये रिसोर्ट पुणे के नसरापुर एरिया में है, बनेश्वर टेम्पल से 1 किलोमीटर की दूरी पर। ये है एंट्री गेट, अभी हम लोग यहाँ से अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स, इस रिसोर्ट में देख सकते हो ये रास्ता जो अंदर जाने का है वो कितना बेहद ही खूबसूरत है। और यहाँ पर सभी जगह पर बहुत हरियाली है, इन्होंने गार्डनिंग करके रखा है। और यहाँ पर देख सकते हो जामुन, ऐसे बहुत सारे फल आए हुए हैं और इनमें से हमको इस खूबसूरत से रास्ते से अंदर जाना है। रिसोर्ट का खूबसूरत गेट, जब हम इस गेट से एंट्री करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हम किसी राजवाड़े में एंट्री कर रहे हैं या फिर किसी फोर्ट में एंट्री कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग आते हैं, यहाँ पर बना है ये टैंक जिसके अंदर फिश रखे हुए होते हैं। ये फिश टैंक है, यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ फिश टैंक बने हुए हैं। तो यहाँ के पास में बहुत ही खूबसूरती से पत्थरों से बनाए गए हैं। जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं अंदर, पहले हमको मिलता है ये ग्राउंड। यहाँ पर आप आ जाओ, मैं बताता हूँ। तो देखो यहाँ का लॉन एरिया कितना खूबसूरत है। यहाँ पर आप आपका छोटा मोटा प्रोग्राम रहेगा तो वो कर सकते हो। यहाँ पर अपने को मिलता है यहाँ पे एक कैंप फायर का एरिया जहाँ पर इवनिंग में कैंप फायर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये दिया गया है ब्यूटीफुल सिटिंग एरिया। इस लॉन में अगर इवनिंग मॉर्निंग में आप बैठकर एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पर ये दिया गया है खूबसूरत सा गजीबो टाइप का, यहाँ पर भी आप बैठकर एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर हमको मिलता है एक स्टेज, अगर अपना कुछ प्रोग्राम रहेगा तो यहाँ पर स्टेज भी दिया गया है। लॉन में आपका आप लोग आउटडोर गेम भी एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर हमको मिलता है खूबसूरत स्विमिंग पूल। और यहाँ पर ये दिए गए टेबल्स जहाँ पर आप बैठकर चिल कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। स्विमिंग पूल को देख सकते हो इतने खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत से पेड़ पौधों से सजाया गया है और ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। छोटा सा स्विमिंग पूल किड्स के लिए है, बच्चों के लिए। यहाँ पर देख रहे हो स्विमिंग पूल है और ये स्विमिंग पूल के पास ही हमको ये एरिया मिलता है जहाँ पर रेन डांस होता है सैटरडे और संडे को। हर सैटरडे संडे को होता है, यहाँ पर आप रेन डांस भी कर सकते हो। देख रहे हो स्विमिंग पूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इनको फॉलो करना है। तो यहाँ पे मिलता है हमको चेंजिंग रूम। ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया साइड से पूरा ओपन है। और यहाँ पे लगभग 100 चेयर्स का इंतज़ाम किया हुआ है। तो 100 लोग, यहाँ पर आपका कुछ फंक्शन होगा ना तो उस टाइम पर ये काम आता है। ये है यहाँ के खाने के रेट्स और जो खाना यहाँ पर मिलता है वो सब मेनू कार्ड यहाँ पर दिया है। हम लोग यहाँ का स्टे पैकेज लेते हैं तो यहाँ पर खाने का, नाश्ते का टाइम, लंच का टाइम और डिनर का टाइम सभी टाइम्स दिए हुए हैं। उस अकॉर्डिंगली आप लोग आपका प्लान कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर है 3 टाइप्स के रूम और रूम बहुत ही खूबसूरत है। तो वन बाय वन मैं आपको तीनों रूम दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहला रूम का कैटेगरी देखने आए, ये है वुडन हाउस। तो आइए अभी हम लोग इसको देखते हैं कैसा है। रूम में हमको मिलता है एक किंग साइज बेड प्लस यहाँ पर 2 चेयर दिए गए, एक छोटा सा टेबल दिया गया है। ये एसी रूम है और हमको यहाँ पर फैन भी मिलता है। और रूम का इंटीरियर देखो, वुडन का होने की वजह से कितना खूबसूरत है। अभी ये रूम रेडी नहीं है इसलिए बेड को सजाया नहीं गया। तो यहाँ पर एक दिया गया है विंडो और ये विंडो में से हमको ये मिलता है खूबसूरत सा व्यू। यहाँ पे एक वार्डरोब दिया गया है जहाँ पर आप आपका लगेज रख सकते हो। और यहाँ पर ये मिरर दिया गया है और इसी के साइड में यहाँ पर है
वॉशरूम, चलो चलते हैं वॉशरूम देखते हैं। तो ये वॉशरूम, तो वॉशरूम अंदर से काफी साफ है। यहाँ पर हमको मिलता है वो शॉवर, यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन भी है, वॉशरूम काफी साफ है, छोटा सा एक बेसिन है, इसके अंदर हमको साबुन शैम्पू सब मिलता है। इस रिसोर्ट की एक खासियत है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आइए यहाँ से अभी हम लोग को क्या दिखता है ना वो सरप्राइज है, आ जाओ। तो ये है यहाँ का छोटा सा बालकनी, बालकनी में जैसे हम लोग एंटर करते हैं तो ये हमको बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिखाई देता है। ये लेक देख रहे हो, ये लेक पूरी तरह से मैन मेड लेक है, इन्होंने बनाई है ये। तो फ्रेंड्स ये है बालकनी जो हमको इस रूम के साथ मिलती है, यहाँ पर आप चेयर लगाकर बैठ सकते हो इवनिंग में और इस व्यू को एंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको यहाँ के रूम्स की दूसरी कैटेगरी दिखाने वाला हूँ जो है, ये लोग बोलते हैं इसको स्टोन हाउस, तो आइए स्टोन हाउस को देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग अंदर इंटर करते हैं हमको मिलता है किंग साइज का बेड, तो ये बेड अभी रेडी नहीं है, जहाँ जब यहाँ पर गेस्ट होते हैं तभी ये लोग रेडी करते हैं। इस रूम के साथ हमको मिलता है एसी, और इस रूम का इंटीरियर देखो अंदर से कैसे खूबसूरती से किया गया है, बाहर से तो स्टोन का है। यहाँ पर हमको मिलता है एक मिरर और ये कबर्ड, कबर्ड में आपका लगेज फिट हो जाएगा। और यहाँ पर हमको दिया गया है टीवी और ये केटल टी कॉफी मेकर। यहाँ पर हमको दिए गए दो चेयर और एक छोटा सा टेबल जहाँ पर आप टी कॉफी पी सकते हो। अभी यहाँ पर है बाथरूम, अभी देखते हैं बाथरूम कैसे है। तो ये रहा बाथरूम, बाथरूम काफी साफ है, बाथरूम में दिया गया एक शॉवर, यहाँ पे मिक्सर और बाकी जो भी चीजें है यहाँ पर दी गई है हमको, बेसिन, यहाँ पे एक छोटा सा मिरर। यहाँ पर हमको दिया गया एक विंडो, जैसे ही विंडो ओपन करते हैं हमको मिलता है ये बाहर का खूबसूरत सा व्यू। आप लोग यहाँ पर बेड पर लेटे लेटे भी ये वाला बालकनी का व्यू देख सकते हो, यहाँ से व्यू देखो कितना शानदार आता है। तो आप लेटे लेटे सोए सोए भी ये व्यू को एंजॉय कर सकते हो। उनके साथ हमको डबल बालकनी मिलती है, एक बालकनी का व्यू वो लेक व्यू है और इस बालकनी का ये वाला व्यू है, तो आप दोनों तरफ से अलग अलग व्यू देख कर चिल कर सकते हो जैसा आपका मन करे। चलते हैं बालकनी में और देखते हैं बालकनी से कैसे खूबसूरत व्यू आता है, मैं अभी आपको वो बताता हूँ, तो आइए। तो ये रहा वो खूबसूरत व्यू, बालकनी में बैठकर ये खूबसूरत सा वाटरफॉल एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो ये कितना खूबसूरत व्यू आता है, तो है ना बहुत ही मज़ेदार जगह जहाँ पर आपको आकर यहाँ रहने में और यहाँ पर एक दिन स्पेंड करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर आइए और इस जगह को एंजॉय कीजिए। तो ये है यहाँ का पार्किंग एरिया, यहाँ पर आप लोग कार पार्क कर सकते हो, पर दी गई है बुलक कार। यहाँ पर हमको मिलता है चिल्ड्रंस प्ले एरिया, यहाँ पर आपके बच्चे खेल सकते हैं। तो ये है इंडोर गेम्स एरिया, यहाँ पर दिया गया है टेबल टेनिस और ये कैरम, और यहाँ पर दिया गया है पूल टेबल। हे फ्रेंड्स अभी हम लोग आपको दिखाने वाले हैं यहाँ का तीसरे नंबर का कैटेगरी का रूम, तो ये है कॉटेज, आ जाइए देखते हैं ये रूम कैसे है। तो ये है तीसरी कैटेगरी का डिलक्स रूम, यहाँ पर रूम में आते ही हमको मिलता है यहाँ पर एक कबर्ड जहाँ पर आपका लगेज सेट हो जाएगा, और यहाँ पर एक छोटा सा मिरर। तो यहाँ पर हमको मिलता है टीवी, और यहाँ पर वॉल को देख सकते हो खूबसूरत पेंटिंग से डेकोरेट किया गया है, और हमको मिलता है एसी। यहाँ पर हमको मिलता है दो चेयर और ये छोटा सा टेबल जहाँ पर आप बैठकर आप चिल कर सकते हो,
और यहाँ पर एक विंडो दिया गया है और ये विंडो में से हमको यहाँ का ये व्यू दिखाई देता है। फिर हम आपको बताएंगे यहाँ का बाथरूम। तो ये है यहाँ का बाथरूम। बाथरूम तो बहुत ही बड़ा है। बाथरूम में हमको मिलता है शावर, यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है बेसिन, यहाँ पर शैम्पू सब कुछ दिया जाता है। तो फ्रेंड देख सकते हो रूम काफी साफ है और हर चीज जहाँ के वहां रखी है। तो अभी आ जाओ, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से पीछे का व्यू कैसे आता है। तो यहाँ से हमको यहाँ पे पीछे भी एक हमको बालकनी मिलती है और वहां से ये पीछे गार्डन का व्यू दिखाई देता है। इस रूम का पैकेज है 5,000 rupees फॉर 2 पर्सन, उसके अंदर इंक्लूडिंग ऑल मील रहता है। इवन इसका भी चेक इन टाइम है 12 PM का। चेक इन करते हो तो आपको मिलता है लंच, और उसके बाद आपको मिलता है 5 बजे के टाइम पे हाई टी, उसके बाद इवनिंग में डिनर, और अगले दिन का ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। यहाँ पर अलग अलग रूम्स के अलग अलग पैकेज है। यहाँ पर डे पैकेज और स्टे पैकेज दोनों ही पैकेज अवेलेबल है। तो आप अगर डे पैकेज के लिए आना चाहते हो तो यहाँ का पैकेज है 1,000 rupees, जिसके अंदर आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिलेगा, दोपहर में लंच मिलेगा और इवनिंग में हाई टी मिलेगा। सारा फूड वेज होगा। तो हमारा दूसरा जो पैकेज है जिसका स्टोन रूम का पैकेज है वो है 6,000 rupees फॉर 2 पर्सन, इसके अंदर इंक्लूड रहता है। इसका चेक इन टाइम है 12 o'clock का, जिसमें 12 o'clock को आप आने के बाद यहाँ पर दिया जाता है आपको लंच, उसके बाद इवनिंग में दिया जाता है हाई टी, रात को मिलता है डिनर, और उसके बाद अगले दिन ब्रेकफास्ट होता है, और उसके बाद 10 o'clock को चेकआउट होता है। तो सेम वुडन रूम का भी सेम पैकेज है 6,000 rupees पर पर्सन। तो आपको अगर जो भी अच्छा लगेगा पैकेज वो आप ले सकते हो। अभी हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे देंगे, तो आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपका कुछ इंक्वायरी रहेगा तभी भी इनको कांटेक्ट कीजिए। ये रिसॉर्ट आपको कैसे लगा हमको कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली डेस्टिनेशन पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।